फॉर स्पीच, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी एक्टिव है, रेड का सिलसिला जारी है। एनसीपी के नेता हैं, जितनी भी शुगर मिल हैं इसमें घोटाले का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसके चलते ईडी की रेड, ईडी की छापेमारी ये लगातार जारी है। जितने भी तमाम ठिकाने हैं वहां पर ईडी की नजर। एक और बड़ी खबर, जम्मू एंड कश्मीर से सामा सेक्टर में एलओसी पर हथियार बरामद हुए हैं। ड्रोन से ये पैकेट हथियार का फेंका गया है, ये बात सामने आ रही है। पाकिस्तान से आए ड्रोन से ये पैकेट फेंका गया, ये देखिए उसी पैकेट से ये हथियार मिले हैं। ये आप देख सकते हैं जिसमें 3 पिस्टल हैं, ग्रेनेड हैं, मैगजीन भी बरामद हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पैकेट जो है हथियार का नीचे गिराने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में चला गया। काफी टाइम से ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।